यदि आप कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तो पीएसबी को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर और जनरल नॉलेज पर वीडियो पेश किए जाते हैं। और हाँ, यदि आप पाना चाहते हैं यहाँ पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में हिमाचल सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को विस्तार से डिस्कस करूंगा, मतलब फुल डिस्कशन करूंगा। ये जो क्वेश्चन है मैंने इधर उधर से एकत्रित किए हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आप वीडियो देख लेते हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर लिया करें, लेकिन शेयर भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद खुद का जीके इम्प्रूवमेंट करना भी है और सभी वैसे बंधुओं तक कोई भी चीज़ें शेयर करना जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेरी तरह। ज़्यादातर लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो उन लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंच जाए, इसलिए शेयर ज़रूर किया करें। तो यदि आप पाना चाहते हैं स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। 9805223162 मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक बढ़िया सा, उस पर जेन्यून एस्पायरेंट्स हैं सब जुड़े हुए, ठीक है। और बाकी आप मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज लीजिए, पीएसडी भाई के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का सीरीज। चंबा रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी भरमौर से चंबा बदली? तो ये बदली थी साहिल वर्मन ने। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में विस्तार से। राजा साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में राज्य संभाला। चंबा गजेटियर तथा हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट में साहिल वर्मन के समय में कुल्लू के साथ लंबे युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में चंबा की सेना को गद्दी सेना कहा गया है। साहिल वर्मन ने निचली रावी घाटी को जीत लिया था। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नूरपुर रियासत के किस राजा के शासन काल में मऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए? तो ये जीते थे जगत सिंह जी के टाइम पर। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा इस ये वाला हिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। नूरपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ रानी नूरजहाँ महल का निर्माण करवाना चाहती थी। राजा जगत सिंह पठानिया ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उसने अफवाह फैला दी कि इस जगह के मौसम से गंडमाला नामक अजीब रोग हो जाता है। परिणाम स्वरूप रानी नूरजहाँ ने महल के निर्माण का विचार त्याग दिया। बाद में 1622 ईस्वी में राजा जगत सिंह पठानिया ने रानी नूरजहाँ के सम्मान में इस जगह का नाम नूरपुर रख दिया। बाद में जगत सिंह के ही शासनकाल में मऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए। दोस्तों, इस तरह से जीके को पढ़ना, किसी प्रश्न का विस्तार से जो आपको मिल जाए पढ़ने को, वो काफ़ी बेस्ट होता है, इससे आपका रिविज़न हो जाता है। तो ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसी तरह के प्रश्न सभी विस्तार से डिस्क्राइब किए हुए, ठीक है। आप पूरा अंत तक वीडियो को देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गोरखाओं ने किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियासत को जीत लिया? ये जीता था 1803 ईस्वी में। तो इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। गोरखाओं ने 1803 ईस्वी के लगभग सिरमौर रियासत को जीत लिया था। हालांकि उस समय यहाँ के राजा रतन प्रकाश थे, लेकिन वे गोरखाओं द्वारा स्थापित थे। तो आपको ये प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब मिल गया और यहाँ पर एक प्रश्न और मिल गया कि उस समय यहाँ के राजा कौन थे, राजा रतन प्रकाश, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया? तो ये दिया था कहरी सिंह को। तो दोस्तों, इसका विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले जो एक HPSSB में भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बाकी अलाइड का होने वाला है, HAS का भी होगा आगे, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करूँगा। तो जान लेते हैं इसका थोड़ा विस्तार से। माना जाता है कि बुशहर की स्थापना प्रघुन शाह ने की थी, और कामरू को उसकी राजधानी बनाया गया। बुशहर का सबसे प्रसिद्ध राजा कहरी सिंह था। औरंगजेब ने इसे छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया था। राजा राम सिंह ने सराह के स्थान पर रामपुर को अपनी
राजधानी बनाया। तो यहाँ पर आपको बहुत कई सारे प्रश्न कवर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ने से आपके कई सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं। आपको मतलब आपको अपने साथ नोटबुक भी रखनी है, अलग अलग प्रश्न बनाते रहने हैं। जब आप डिस्कशन सुन रहे हैं ना, तो उस समय आप अलग अलग प्रश्न और भी बना दीजिए। जैसे इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है तो आप नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को सेव कर दीजिए, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यूनान के विद्वान सतलज नदी को किस नाम से पुकारते थे? ये पुकारते थे हेसीड्रस के नाम से, ठीक है। तो एक फैक्ट और कवर होने वाला है यहाँ पे कि यूनान के विद्वान सतलज नदी को हेसीड्रस के साथ साथ जाराट्रास के नाम से भी पुकारते थे। मतलब यहाँ पर आपके दो फैक्ट कवर हो गए, ठीक है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूँगा, आप कमेंट जरूर किया करें यार, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं, ठीक है। लाइक भी कीजिए, थम्स अप भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। स्फीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और इस प्रश्न के जरिए हमारे को कई सारे फैक्ट भी मिलने वाले हैं। तो ये स्पीति नदी का उद्गम स्थान है कुंजम दर्रा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। स्पीति नदी का उद्गम स्थान कुंजम दर्रा है। कुंजम दर्रा या कुंजम ला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो भारत के हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है, ठीक है। कुंजम माता यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कई सारे फैक्ट कवर हो गए, कई सारे प्रश्न जो अलग अलग प्रश्न बनते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के हैं और काफ़ी लो लेवल पे भी है, हर जगह आते हैं और हर जगह आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग कितनी है? ये है दोस्तों 111 मेगावाट, ठीक है। तो ये भी जान लेते हैं कि कहाँ पर है, किस तरह से मतलब कौन सी नदी पर है, इसको विस्तार से जान लेते हैं। सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग 111 मेगावाट है। सावड़ा शिमला जिले में एक कस्बा है, जुब्बल तहसील में पड़ता है, ठीक है। यह परियोजना पब्बर नदी पर स्थापित है, और पब्बर नदी, आपको एक बात और बता दूँ, ये टॉन्स नदी की सहायक नदी भी है पब्बर, ठीक है। और पब्बर जो है ये मतलब रोड पर सुना होगा आपने, है ना, उधर पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिमला जिले की जुब्बल तहसील में हाटकोटी स्थित हाटेश्वरी मंदिर की वास्तुकला शैली क्या है? तो ये है स्तूपाकार शैली, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं हाटेश्वरी मंदिर के बारे में। हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनमें से अधिकतर का निर्माण महाभारत कालखंड के दौरान ही हुआ है, और ये निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय में किए हैं। ऐसा ही मंदिर माता हाटेश्वरी देवी का है। इस मंदिर की वास्तुकला शैली स्तूपाकार की है, ठीक है। जो ये पब्बर नदी भी इसके साथ ही बहती है दोस्तों, ठीक है। जो बता रहा हूँ ना मैं, ये सावड़ा जो जल विद्युत परियोजना है ये उसी के आसपास का एरिया है, ठीक है। ये जो हाटेश्वरी माता मंदिर है हाटकोटी में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? ठीक है, तो ये है ज्योरी में, सी, ठीक है, ज्योरी में। लेकिन इस टॉपिक के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 9 लाख भेड़ों की आबादी है। प्रदेश में शुद्ध विदेशी नस्लों क्रमशः रैम्बूल तथा रशियन मेरिनो के मेड़ों द्वारा स्थानीय नस्ल की भेड़ों का प्रजनन करवाया जाता है, ताकि स्थानीय नस्ल की भेड़ों द्वारा ऊन उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जा सके। राज्य सरकार द्वारा भेड़ प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत 4 भेड़ प्रजनन फार्म और 1 मेड़ा केंद्र निम्नलिखित स्थानों पर खोले गए हैं, ठीक है। तो पहला है ज्योरी शिमला रैम्बूल व रामपुरी बुशहरी भेड़ों के लिए, ठीक है। और दूसरा है कड़छम किन्नौर में पड़ता है, रशियन मेरिनो भेड़ें। और तीसरा है सरोल चंबा रैम्बुले भेड़ें। और चौथा है ताल हमीरपुर रैम्बुले रशियन मरीनो गद्दी व गद्दी कास। और पांचवा है मेंढा केंद्र, ठीक है। ये है मंडी में मेंढा केंद्र, ये इम्पोर्टेंट है, अलग से ही है, ठीक है। मेंढा केंद्र एकमात्र है लेकिन ये कहाँ है? मंडी में, ठीक है। तो इसको, ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है, आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस हिमाचली क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता पूर्व लाहौर से सुदर्शन चक्र नामक पत्रिका का संपादन किया? तो ये थे इंद्रपाल जी, ठीक है।
थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं विस्तार से थोड़ा। हिमाचली क्रांतिकारी इंद्रपाल सिंह ने स्वतंत्रता पूर्व लाहौर से सुदर्शन चक्र नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये यशपाल और भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल रहे। ठीक है, तो ये फैक्ट काफ़ी अच्छा है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, ये प्रश्न इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न होगा और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी। तो मैं इस प्रश्न को दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अच्छा लगा हो ये सीरीज़ तो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार जुड़े थे चैनल से तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न। कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है? तो ये थे सी जी ब्रूस ने, कर्नल सी जी ब्रूस के नाम से। ठीक है, ये इन्होंने एक बुक और लिखी थी, 20 Years in the Himalaya। ठीक है, 20 Years in the Himalaya, 20 वर्ष हिमालय में। ठीक है, तो जो ये लिंक दिख रहे हैं ना, ये वाले वीडियो भी देख लो, ये हिमाचल के एग्ज़ाम के लिए बनाए हैं स्पेशली। ठीक है, तो जुड़े रहिए PSD के साथ।